अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक डिफरेंट रेसिपीज़ बनाने जा रही हूं जिसका नाम है इंडियन आलू। इसके लिए आपको 3 आलू लेने होंगे, 4 अदद टमाटर और 1 हरा धनिया पंच के लिए। मसाले कौन से यूज़ होंगे वो मैं आपसे बताती हूं। नमक, अदरक लहसुन, पिसा हुआ लाल मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा। चलें स्टार्ट करते हैं। आलू को हम अच्छी तरह पील ऑफ कर लेंगे। पील ऑफ करने के बाद उसमें हम हरा धनिया कट के रख लेंगे साइड में। जैसा कि आपको पता है कि ये कुकिंग ऑयल है, मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। तकरीबन 1/2 कप ऑयल आप ले लें, या हद से ज़्यादा आप कम खाना चाहें, ज़्यादा खाना चाहें, यह आप पे डिपेंड करता है आप कितना ऑयल यूज़ करते हैं। ऑयल गर्म होने की वजह से मैंने छोटी सी प्याज बारीक करके डाल दी और उसके बाद प्याज लाल होने का इंतज़ार करेंगे। प्याज लाल होने की सूरत में आप चम्मच चला के टेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, हल्का सबक ब्राउन कर दें। ये कटे हुए आलू हैं, स्लाइस में मैंने काटे थे, इनको आपको ऐड कर देना है। आलू शामिल करते ही मैंने अलग से टमाटर जो 4 अदद लिए थे वो काट लिए थे और उनमें जो मसाले थे वो शामिल करके हम आलूओं में ऐड कर देंगे। फिर इन्हें चम्मच चलाएँगे और मिक्स करेंगे, हल्का हल्का भूनेंगे, ज़्यादा भूनना नहीं है वरना आलू कच्चे रह जाएंगे। हल्का जब भूनने के बाद पानी का छिड़काव करेंगे ताकि हमारे हसबे अदद आलू तैयार हो जाएं। उसके बाद ढक्कन ढक के हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि आलू उसी में गल जाएं। थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के बाद आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। आप कटा हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें। स्प्रिंकल करने के बाद आप चम्मच से चला के उसे चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के बाद मेरी मेड भी आ चुकी है लीजिए। मैंने सोचा चलो आलू की सब्ज़ी तैयार है, क्यों ना मैं 3 कप चाय बना लूँ। 3 कप चाय के साथ मैंने ग्लूकोज का बिस्किट ले लिया कि बिस्किट से चाय खा लेंगे। अभी हमने नाश्ता नहीं किया है, सिर्फ ये देखिए मेरे आलू की सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार है। थोड़ा सा मैंने, थोड़ी सी मेरी मेड ने चखा और ये बहुत यम्मी बनी। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।